मजेदार शो बता दिए फैजान सीजन टू। ऑडियंस से रहा नहीं जाता हमारी, बीच में ही तालियां बजा देती है। उम्मीद करता हूँ जी आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया अपने वीकेंड को मजीद मजेदार बनाने के लिए। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि आदिल अमजद। अस्सलाम वालेकुम। आदि भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। यार ये आप समर्स मना रहे हैं, हम स्वेटर्स पहन रहे हैं, क्या मसला है आपको? यार मैं असल में सर्दियों से थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि थोड़ी एक घंटा होती है फिर आधा घंटा नहीं होती, फिर मेरे कमरे में हीटर लगा हुआ है और उसमें 3 ऑप्शन है कि कम ज्यादा ज्यादा, मैं पूरी रात उससे खेलता रहता हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही विंटर अभी आए कि नहीं आए। ही इज अ रिच पर्सन। हाँ मैं शो ऑफ कर रहा था और वो इलेक्ट्रिक हीटर है तो बिल भी ज्यादा आता है। गुड यार, थैंक्स ब्रो, वेल डन। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि अब हमारी ही गेस्ट हो रही हैं, पहले हमारा गेस्ट होता था तो अब हमारी हो गई हैं तो अच्छा हो रहा है। वेरी गुड, ठीक है। आज की जो हमारी गेस्ट हैं बहुत ही जबरदस्त एडिशन है हमारी एक्टिंग फ्रेटर्निटी में। बिल्कुल, उन्होंने स्टार्ट जो है मॉडलिंग से किया था, बहुत जबरदस्त मॉडल है जी, बड़ी अच्छी फोटोशूट होती है जी, 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 जी। और मुझे लगता है तकरीबन तमाम ब्रांड्स ये कर चुकी है, आप जहाँ जाते हैं शॉपिंग कर रही है, मतलब ब्रांड खत्म हो गए, हाँ। अब अपना बनाई जा रही है। वाह यार मशहूर जबरदस्त। तो उसके साथ साथ उन्होंने अभी बहुत जबरदस्त एक्टिंग भी कर रही है, एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट इनका ऑनियर भी है, इनको बुलाएंगे थोड़ा सा तंग करेंगे। आपकी बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर बताएं बैठिए जी, वेलकम टू द मजेदार शो। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। ये ट्रांजिशन कैसे हुई कि एकदम मॉडलिंग से आप एकदम एक्टिंग में कूद गए, फिर एक्टिंग के प्रोजेक्ट बैक टू बैक, ये कैसे हुआ? असल में मैंने स्टार्ट जो है वो कमर्शियल से ही किया था, हाँ। और मैं कमर्शियल मॉडलिंग में ही ज्यादा जो है वो प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ रेदर देन फैशन, लेकिन फैशन भी साथ साथ चलता रहता है तो शुरू से जो एक लोगों की फीडबैक होता है ना वो मुझे यही आता था तुम्हें एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए, तुम्हारा फेस एक्टिंग वाला है, तुम एक्टिंग में आओ, तुम ड्रामास करो, तो फिर इसलिए मैंने कहा व्हाई नॉट। तो फिर खुद ही से जो है सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो मुझे ऑफर हुआ था 2017 में, तो फिर मैंने कहा व्हाई नॉट ट्राई करके देखते हैं। और इस तरीके से आपको इंडस्ट्री में जब आप आई तो लोगों ने आपको कहा कि आप एक्टिंग वाला मुंह है, हाँ। काशिफ भाई ने भी ट्राई किया था तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो मुंह वाला मुंह नहीं है तो मैट्रिक का उनकी आवाज अच्छी है ना, नहीं मतलब मैं कहने का मकसद ये वैसे भी अच्छे हैं लेकिन आवाज ज्यादा अच्छी है। अच्छा मुझे पता है हमारे एक परसेप्शन है, मैं चाहता था आपसे सवाल करूं कि हमारे एक परसेप्शन है कि जी मॉडल्स एक्टिंग नहीं कर सकती, जैसे कि हमारे इतने सारे नाम है जो कि इतने अच्छे मॉडल्स रहे, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, वनीजा अहमद है, नादिया हुसैन है, बहुत सारे लोग हैं, दो नाम मेरे जहन में है मैंने बताया, तो ये परसेप्शन आपको लगता है सही है या गलत है? आई थिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। अगर देखें मॉडलिंग और एक्टिंग में एक चीज कॉमन है वो है एक्सप्रेशंस, लेकिन उसके बाद एक्टिंग में और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मॉडल्स के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, इसी तरीके से एक्टर के लिए जो है ना वो स्क्रिप्ट को याद करना, आपने स्क्रिप्ट भी याद रखनी है, आपने एक्सप्रेशन भी होल्ड करना है, आपने मूव भी याद रखना है, फिर आपने उसको डिलीवर भी सही करना है, तो बहुत सारी चीजें होती है एक्टर के लिए। तो मुझे भी ये लगता है कि एक्टिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है रदर देन मॉडलिंग। अच्छा मुझे बताया सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, किसने कहा मॉडलिंग करनी है, आपने खुद सोचा, मैंने किसी ने इंस्पायर किया, क्या हुआ? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था और मैंने कभी नहीं सोचा था, बिकॉज मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसमें कोई भी इस फील्ड में नहीं है, एंड मेरे फादर शुरू में थोड़ा सा खिलाफ थे इस चीज के, लेकिन फिर मुझे रिकमेंड किया था मेरे एक फ्रेंड ने, कहा था कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए फॉर कमर्शियल्स, एंड उसी ने मुझे अप्रोच किया था कि तुम जाके एक ऑडिशन व्हाई नॉट दे दो, ठीक है। मैंने एज अ हॉबी फिर उसको जो है मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद रिस्पांस अच्छा आया, लोगों ने पसंद किया, ब्रांड्स ने पसंद किया। मुझे बताए तो पापा कैसे कन्विंस हुए कि जब उन्होंने देखा 3 लाख रुपए का चेक आया? वो तो अब जाहिर सी बात है, लेकिन शुरू में जो है वो उन्होंने देखा कि बच्ची को शौक है, और एज सच जो एक परसेप्शन बना हुआ है ना फील्ड के हवाले से है नहीं, अच्छा। जो एक आउटसाइडर को लगता है कि पता नहीं क्या ही फील्ड है ये और कैसे लोग होते हैं और किस तरीके से काम होता है, जब मैंने इस फील्ड में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था और जब मैं आई थी इस फील्ड में न्यू मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन फिर जब मैंने लोगों के साथ काम किया मैंने कहा नहीं यार प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे और सारे प्रोफेशन है, आप आओ अपना काम करो, अपने पैसे लो और आप चले जाओ, ठीक है। तो जब फादर ने देखा ना कि बेटी को शौक है और मेरी बेटी जिद्दी है क्योंकि मैं हूँ,
मैंने कहा नहीं मैंने तो यही करना था, फिर मान गया। आपने कहीं ऐसा तो नहीं बोला बाबा ठीक है मैं नहीं करती, हर हफ्ते आप मुझे 3 लाख रुपए का चेक दे दें? नहीं, ये वाली डिमांड जो है ना ये मैंने अपनी शादी के लिए रखी हुई है। अगर मेरा होने वाला शौर मुझे बोलेगा ना फिर छोड़ू तो मैं इसको ये बोलूंगी कि मैं फिर जितना। अच्छा तो आप मुझे बताए ना क्राइटेरिया कि एक लड़का इसके पास इतने पैसे, ये काम कम से कम और ये गाड़ी कम से कम होगी तो मैं मान। मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, सपोर्टिव हो, और मेरे कुछ 2-3 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मान लो। टर्म्स एंड कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छा मैंने खैर ये कभी लाइव शो पे बोला नहीं है लेकिन मैं अपने फादर को कभी नहीं छोड़ूंगी। फादर को आप कभी नहीं छोड़ेंगे? ठीक है, वो अपनी गाड़ी पे जाएंगे? नहीं, वो मेरे साथ रहेंगे। साथ रहेंगे, ठीक है। मतलब आप घर दामाद ढूंढ रही हैं? नहीं। अच्छा घर जाऊंगी भी उसके घर, अपना सामान भी लेके जाऊंगी? हम दोनों साथ मिलके घर ले लेंगे। हम दोनों साथ मिलके घर ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। एक टर्म एंड कंडीशन ही हो गए, और क्या है टर्म एंड कंडीशन? सब बता दूं लाइव में, रिश्ता है क्या, फॉर्म फिल कर रही हूं मैं। आपको पता है लिटरली यहाँ से 2 एक्ट्रेस की हमारी शादी हुई है। कोई ऐसा इंसान जो मुझसे शादी करना चाहता है प्लीज आदि और फैजान को बता दीजिए। नहीं नहीं, मुझे ना बताएं, आदि भाई को बताएं। अच्छा ठीक है, अबू साथ जाएंगे, मैं रुख्सत होंगी, अबू भी साथ होंगे ताकि रोने वाला सीन ना हो सके। ठीक है, मेरे साथ रहेंगे बस। आपके साथ रहेंगे, हर जगह साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्यों बताऊं मैं? नहीं, हम जानना चाहते हैं ना भाई, जब कोई क्वेरी आएगी तो पूछ लेगा ना। तो आप परेशान एक बता दिया, इसका मतलब कोई टर्म एंड कंडीशन ऐसी है जो आपको ऑन एयर बताते हुए शर्म सी आ रही है? बेसिक मेजर तो यही थी जो मैंने बता दिया, ऐसे चौड़ बाकी करना है सारी, वो बात ही नहीं करने दे रहे मुझे। बात करने दो भाई, सुने ये रीएनएक्टमेंट नहीं है ना, हम होस्ट हैं, हम गेस्ट हैं, दोनों बात करते हैं इसके अंदर। अच्छा बात, इतना काम आप कर रही हैं और सब कुछ है, पीछे रह गया बॉस आपका क्या? आप अपना काम, आप अपना काम देखती हैं नहीं देखती हैं? जाओ हग करो। हाँ जी, आप अपना काम देखती है नहीं देखती है? बिल्कुल देखती हूँ। कितना क्रिटिकली देखती है? कभी इम्प्रेस हुई अपने काम से कि यार क्या सीन किया है ना? नहीं, मैं हमेशा अपनी एक्टिंग जब भी देखती हूँ मैं कहती हूँ मैं शायद इससे बेटर कर लेती, ठीक है। और अब मुझमें, पहले मुझमें ना थोड़ा सा सबर नहीं था, ठीक है, अब जल्दबाज थी, अब मैं थोड़ी सबर वाली हो गई हूँ। अगर मुझे लग रहा होता है कि शॉट मैंने सही नहीं दिया, मैं वापस डायरेक्टर को खुद ही बोल देती हूँ कि यू नो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कमी रह गई है, दोबारा कर लेते हैं। और अगर इसमें डायरेक्टर कहे नहीं जी मुझे सही लग रहा है तो फिर मेरा दिल थोड़ा सा मैं हर्ट हो जाती हूँ। तो आप डायरेक्टर को ट्रस्ट नहीं करती? आप कहती नहीं मुझे सही नहीं लग रहा तो नहीं होगा। एक और टेक में क्या, अगर आपने ऑलरेडी 3-4 टेक लिए हैं तो एक टेक में कितना टाइम लगता है? लेकिन देखिए हमारा काम तो एक्टिंग करना है, डायरेक्टर जो आदमी मॉनिटर पे देख रहा है वो कह रहा है कि नहीं जी ओके टेक मेरी तरफ से। मतलब मुझे कोई मतलब ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा बोलती हूं कि शायद उससे नेक्स्ट परफॉर्मेंस में और क्यूट बन जाती हैं आप, ठीक है, प्रीटी फेस बना के बोलती हैं प्लीज वन टाइम मोर, लेकिन वो उसका भी कोई फायदा नहीं होता ना अगर डायरेक्टर मान ही नहीं रहा तो। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताएं, अभी थोड़े अरसे पहले आपने एक कैंपेन की थी जो कि बड़ी वायरल हुई थी, वो बोटी की आपने की थी? बड़ी बड़ी बोटियों का बड़ा वायरल गया था, तो आप मुझे बताएं वो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या फीडबैक था, क्या वो आपको पता था कि वो इसी तरह से आएगा या आपके लिए भी सरप्राइज था? इस सवाल का मैं आपको दूसरा हिस्सा सुना दूं, ये कि हमारे यहाँ हर चीज लोग वायरल कर देते हैं, लोग उस पे कमेंटिंग शुरू कर देते हैं, ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, तो जब वो आई थी उस पे बहुत लोगों की मैंने ट्रोलिंग भी देखी, लोग बिना वजह कमेंट्स कर रहे थे, तो आपका क्या अपना क्या उस पे फीडबैक था या आपको पता था कि हाँ ये तो होगा ऐसे ही होना है? अच्छा जब मैंने ये कैंपेन की थी ना तो जब वो मुझे उन लोगों ने स्टोरी बोर्ड दिखाया कि इस तरीके से डिमांड उनकी थी कि यही हमें शॉट्स चाहिए और इसी तरीके से चाहिए, तो जब मैंने किया मुझे नहीं, ऑनेस्टली बताऊँ मुझे नहीं पता था ये इतना वायरल होगा, मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन जब वो वायरल हुआ एक्चुअली मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया, इवन नेगेटिव भी लोग जो मुझे स्क्रीनशॉट लेके मेरे दोस्त सेंड कर रहे थे ना ये देखो ये कमेंट किया, मैंने कहा सबसे मजे का कमेंट ऐसा क्या था आपने बड़ा बोला यार ये मैंने नहीं वो दो मैं लाइव नहीं बता सकती। अच्छा मतलब ऐसा था कि लाइव नहीं बता सकते कि मजा आया आपको, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि दोस्त कभी आपसे वाला शिकवा करते हैं आपके यार अच्छा अब तो स्टार हो गई अब कहाँ बात करोगी तुम हमसे? नहीं क्योंकि मैं सबके साथ वैसी ही हूँ जैसे मैं बचपन में थी, जैसे मैं 10 साल पहले थी और जैसे मैं अभी हूँ, ठीक है। और ये बताएं इंडस्ट्री में आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? इंडस्ट्री में मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, इवन दो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि इंडस्ट्री में मेरा कोई फ्रेंड है, मतलब सबको मैं जानती हूँ अच्छे से जानती हूँ, सबसे मेरी दुआ सलाम है, ठीक है। लेकिन दोस्त वाला सीन किसी आपके कोई दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में, आप इंडिविजुअल हैं जो आपको समझ रहे हैं दोस्त, कोई भी दोस्त नहीं है, नहीं लाइक देखिए आप भी इस, नहीं आप भी इस बात को माने कि जो इंडस्ट्री की दोस्ती है ना वो हमारी प्रोजेक्ट की हद तक, मैं क्यों मानूं भाई? नहीं, और हमारे साथ ऐसा नहीं है, मुझ पे ना थोपे भैया, बहुत दोस्त है मुझ पे ना थोपे, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं सोचता। अच्छा ठीक है सही है फिर, दोस्त है मेरी दोस्ती जिनके साथ मैंने काम ही नहीं किया, दोस्त है लेकिन फिर ऐसे दोस्त नहीं है जिन पे आप डिपेंड हो सकते। अच्छा ये बताएं कि एक्टिंग करते करते कभी किसी प्रोजेक्ट में लंबा चल गया प्रोजेक्ट तो कोई पसंद आ गया
नहीं करें ऐसी बात है। नहीं पसंद, मेरा दिल टूट जाएगा। पसंद आया तो उनका बेटा आ गया अभी से, पापा का उसने, कैसी बात है। नहीं तो एक हो जाता ना जरा, आप डेली काम करते हैं तो हो जाता है। तो हुआ है आपके साथ ऐसा, तो फिर आपका दिल टूटा, बहुत रोई आप, लेकिन आपने उनको बता दिया था। उन्हीं ने बताया था पहले मुझे। उन्होंने क्या बताया आपको? अच्छा उन्हीं ने बताया, उन्हीं ने पूरा इन्वॉल्व करा के, ठीक है, और फिर एंड में वही कहते हैं कि आई वॉज आफ्टर हिम। तो फिर गलत हो गया होगा फिर तो। क्या इज्जत से बात खत्म हो गई या जलील हुए वो? बहुत बुरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से जलील हुए। चले कोई बात नहीं है। अच्छा तो मुझे बताएं आपको अभी रिसेंटली उनकी शादी भी। चले कोई नहीं, अगर उनकी बीवी देखेंगे तो उनको भी अच्छा। शादी भी हो गई उनकी, इतनी स्पीड में चल रहे हो। शादी की वजह से तो सारा मसला शुरू हुआ था। कहाँ जा रही है बातें भाई? बिल्कुल मैंने कहा ना दिल टूट जाएगा मेरा ये टॉपिक पे। अच्छा, हाँ, समीरा जी भी नहीं है। अगर सब जल्दी जल्दी ढूंढ रहे हो किसकी शादी है, किसकी शादी है, किसकी शादी। अच्छा तो ये बताएं मजा आ रहा है आपको इस इंडस्ट्री में? बहुत। एक्टिंग ज्यादा बेहतर लग रही है, मॉडलिंग बेहतर थी? सच बताओ? नहीं नहीं झूठ बताएं। या फेस वैल्यू के लिए ना, और आपकी प्रोफाइल के लिए एक्टिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि जब से मैंने एक्टिंग स्टार्ट की है तो लोग आके मिलते हैं, वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, कमर्शियल्स देखते हैं, तो यू नो लोग आप थोड़े से फेम आपको मिलती है, ठीक है। आप मॉडलिंग में चाहे जितना बड़ा प्रोजेक्ट कर लो, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने ऑलमोस्ट 4 साल मॉडलिंग की है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था कि हिनाशवा कौन है। लेकिन हम सदफ कमल और ऐसे इन सबको भी तो जानते हैं ना। लेकिन आपको नहीं लगता कि सदफ कमल का जो सॉन्ग आया था उसके बाद उनको ज्यादा हाइप मिली? नहीं। हाँ मेरे ख्याल से उन्होंने वो बहुत अरसे से काम कर रही है। बहुत अरसे से काम कर रही है, बहुत अरसे से काम कर रही है। लेकिन एज अ मॉडल मुझे नहीं लगता कि आपकी फेस वैल्यू इतनी है जितनी आपकी एज अ। असल में टीवी ज्यादा देखा जाता है, देखा जाता ये है। ये एक वजह है कि हर घर में टीवी मौजूद है। मॉडलिंग शायद इतने लोग नहीं देखते या उतनी कैंपेन जिस तरह से हमारे नहीं बड़ी होती। और एक नॉर्मल इंसान को मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क भी पड़ता होगा ये कौन से ब्रांड में, ये कौन सी लड़की ने कौन से कपड़े पहने में। अच्छा तो आप वो वाली मॉडलिंग करती हैं, वो जो लड़की आती है कैमरे के सामने घूमती है, कपड़े बदल जाते हैं, जूता फेंकती है, यूं पैर यूं करती है, जूता बदल जाता है? यार मैंने बहुत ट्राई किया था इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए एक अलग तरीके की एनर्जी चाहिए जो कि मुझ में नहीं है। आपसे वो मोबाइल के आगे एक्टिंग नहीं हो रही, अजीब सा लगता है, अनकंफर्टेबल हो जाती है? नहीं उसके लिए टाइम बहुत चाहिए, बिकॉज आपने पहले पूरा एक स्टोरी बोर्ड टाइप खुद बनाना है, फिर उसके बाद उस पर काम खुद करना है, फिर उसमें एक्टिंग भी खुद करनी है, फिर कैमरा भी खुद ही देखना है, और फिर एडिटिंग भी खुद ही करनी है। तो इतना मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग के साथ टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है तो आप इन चीजों से दूर है? हाँ मैंने टिकटॉक पे आईडी भी बनाई थी जो कि वो बस पड़ी हुई है। अच्छा और कितने उस पे फैंस वैंस या फॉलोअर जो भी होते हैं? आई थिंक मेरे ख्याल से 50K है। 50K है पड़ी हुई पे, 50K है। अगर एक वीडियो डाल दिया आपने तो करोड़ों में जाएंगे आप। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ये जो आजकल वायरल होने का जमाना आ गया कि लोग कहते हैं जी वायरल होना बहुत फर्ज हो गया यार, लोग पागल हो गए, कुछ भी करने को तैयार है बस हम थोड़े से वायरल हो जाए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? डिपेंड करता है, देखिए वायरल होने का भी वही वाली बात है कि ये भी आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपने एक तो एक होता है ना दिमागी तौर पे आप कोई काम कर जाए और वो फिर रह के खुद ही वायरल हो गया। एक तो ये वायरल है, एक होता है जानबूझ के वायरल हुआ है। तो अब मेरे लिए जो है ना, मुझे जो है शुरू से मेरा एक सोच रही है कि मुझे जो है ना जब भी चाहिए और जितनी भी चाहिए पॉजिटिव फेम चाहिए। मुझे कोई फेम का नहीं था, इवन तो अभी भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, लाइक मैं कहीं बैठी हूँ और लोग मुझे ऐसे देख रहे हो कि यू नो ये कोई है या आ जाए मिलने, मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल, क्योंकि आई एम, मैंने जैसे बताया मैं थोड़ी सी प्राइवेट हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं रेस्टोरेंट्स में जाके इंजॉय करूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठूँ या बाहर किसी भी होलिया में चले जाऊँ, और जितनी गंदे होलिया में आप बाहर जाओ उतने जल्दी लोग आपको पहचान लेंगे। तो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है ना कि हम ये सब नहीं उस तरह से इंजॉय करते। अच्छा पता है कि कभी कोई ऐसा फैन मोमेंट हुआ हो जो आपको हमेशा याद रहा हो कि यार ये एक फैन मुझे मिला था, यार ये कैसे किया? यार मुझे जो सबसे अच्छा अभी तक रहा है ना वो ये रहा है कि, और ये थोड़ा सा मेरे लिए मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगा कि एक मैं अपने पास कैश नहीं था, मैं एयरपोर्ट चली गई, मेरे पास कैश नहीं था, कार्ड था, एयरपोर्ट चली गई, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वो सिर्फ कार्ड लेते हैं, मैंने ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर आ गया, और जब पेमेंट की बात हुई तो मेरे पास कैश नहीं है। अब मैं बैठी हुई हूँ तो फिर एक बहुत क्यूट सी आंटी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा आप ये है ना मैं आपका बिल पे करती हूँ, और वो मुझे इतना क्यूट लगा, इतना क्यूट लगा, मैंने कहा नहीं यार हमारे मुल्क में बहुत अच्छे लोग हैं। फिर आपने ढूंढा उनको पैसे देने की कोशिश की? नहीं मैंने उनसे बोला था और मैंने उनका नंबर भी लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं नहीं लूंगी, उनकी तरफ से ट्रीट थी। उन्होंने आपकी हेल्प इसलिए की, आपको जानती थी, उन्होंने इसलिए हेल्प की एक प्यारी सी लड़की मुसीबत में? नहीं वो मुझे जानती थी और इसलिए भी की क्योंकि मैं मुसीबत में भी थी, अब प्यारी भी हूँ और मुसीबत में भी हूँ तो कोई भी हेल्प करेगा। मैं भी लास्ट ईयर गया था लाहौर तो इसी तरह मुझे भी ये लगा कि ना
कार्ड चल जाता है हाँ। तो मेरे पास कैश नहीं था हाँ। मैं गया तो मैंने ऑर्डर वॉर्डर कर दिया, तो मैंने जब बिल की बारी है मैंने कार्ड दिया, उन्होंने कहा कार्ड तो नहीं चलते हैं तो सिर्फ कैश है। मैंने कहा कैश तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो एक बहुत ही प्यारा से मैं लड़का कह लें आदमी कह लें वो आया, उसने कहा क्या हुआ है? तो मैंने कहा यार वो मेरे पास कार्ड है कैश नहीं है। इतना जलील किया उसने मुझे, मारा उसने मुझे आगे से, यार कह रहे पागल के बच्चे एयरपोर्ट आए हो कैश नहीं है हमारे पास। बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था मैं। जब ट्रैवल करें तो कैश और कार्ड दोनों लेके चले, क्योंकि हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि उसके पैसे कोई और दे दे। रख रही हैं आप? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन आंटी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा काम किया। जहाँ भी हैं अगर आज आप ना होती तो ये वाकया नहीं हो पाता। वेरी गुड। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाए, ब्रेक से वापस आए, हमारे साथ मौजूद है हिना अश्वाक, आप देख रहे हैं तो मजेदार शो। आप देख रहे हैं तो मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है हिना अश्फाक, और अब हम खेलने वाले दिस और दैट। मजेदार 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 होगा कुछ यूं, आपसे एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शन है, आपने उसमें से एक ऑप्शन चुनना है, अपना ऑप्शन आप नहीं दे सकती, और जब मैं आपसे कहूंगा तो आपने अपने पसंदीदा ऑप्शन को जस्टिफाई करना है कि मैंने ऑप्शन क्यों चुना, ये भी बताना है। जी बिल्कुल, जब मैं आपसे कहूंगा हर सवाल पे नहीं। अच्छा ठीक है जी। एक्टिंग या फिर मॉडलिंग? मॉडलिंग। ओके। वेब या फिर टीवी? टीवी। पॉजिटिव कैरेक्टर्स या फिर नेगेटिव कैरेक्टर्स? नेगेटिव, क्योंकि मार्जिन ज्यादा होता है। हमने तो पूछा ही नहीं, मैंने फिर भी बताया मेरी मर्जी। वेरी गुड। ठीक है जी। ट्रैवलिंग या फिर शॉपिंग? हाँ, ट्रैवलिंग या फिर शॉपिंग? ट्रैवलिंग। ऑलराइट। कॉमेडी या फिर रोना धोना? कॉमेडी। कॉमेडी। वैसे कॉमेडी जरा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप ज्यादा एंजॉय करती हैं उसको? हाँ, मुझे करनी है, मतलब मैं चाहती हूँ कि लोगों को लगे ये कॉमेडी भी कर सकते हैं। कौन, किसकी कॉमेडी पसंद है आपको हमारे यहाँ? कौन है जो, जिसको देखे आप कहती हैं यार ये अच्छा करता है या करती है? उमर शरीफ, उमर शरीफ साहब और हिना दिलपजी। हिना दिलपजी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? वेस्टर्न। ऑलराइट। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? फ्रूट्स। इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है? इंट्रोवर्ट। ऑलराइट। विंटर्स या फिर समर्स? समर्स। बहुत शो सही चल रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। देख रहे हो? हाँ, मैं देख रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, मेकअप या नो मेकअप? नो मेकअप, लाइक मेकअप। नो मेकअप, लाइक नो मेकअप। Like makeup, no makeup. मतलब makeup ना? Like makeup but no makeup. ठीक है. Like makeup no makeup, but no makeup. Like makeup, like no makeup. सही है. ऐसा makeup करो कि लगे नहीं कि makeup हुआ, लेकिन makeup तो हुआ है. हाँ, लेकिन लगे नहीं कि makeup है, कि makeup but है no makeup. अच्छा ये बताइए, घर से तैयार होके निकलना है जिस हालत में उसी हालत में निकलना? जिस हालत में उसी हालत में निकलना। लड़के में, लड़के की पर्सनैलिटी में सबसे पहली चीज क्या देखती है? मैं क्या देखती हूँ? हाँ जी, सच बताऊँ? बिल्कुल। कि उसकी आंखें और स्माइल कितनी प्यारी है। आंखें और स्माइल कितनी प्यारी है, है? किसकी आखिरी दफा किसकी आंखें और स्माइल आपने कहा यार ये है? कोई मिला ही नहीं है जिसको देखो। ये तो आप झूठ बोल रही हैं। आप देखिए प्रिंसेस ऑफ होप ना बने ना। ये बताएं कि आखिरी कौन पसंद आया था आपको? आखिरी कोई तो होगा, आपने बोला यार क्या स्माइल है। मैं नहीं बता रही। आप ये कर रहे हैं, बताए ना प्लीज लास्ट कौन पसंद आया है? बोले क्या स्माइल, इसकी आंखें और मुस्कुराहट अच्छी। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी की तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है, और उसको गलत मतलब सच बताऊं? नहीं, अभी मैंने एक लास्ट टर्किश सीरीज देखी थी। अच्छा, पाकिस्तानी सब गटर है, यहाँ कचरा बैक्टीरिया है, मर गए सब यहाँ। यहाँ के बताए ना, यहाँ के, यहाँ के आपको किस लड़के को आपने देखा, आपने कहा यार क्या स्माइल है क्या आंखें, बड़ा ब्यूटी? ठीक है यार, इतना मुश्किल यार आप मुझे, मुझे देखे आपने अभी तीन नाम बताए थे, फैसल कुरैशी, फाज़ल मुस्तफा, फवाद खान, इस तरह कोई होगा? इस तरह कोई दो तीन नाम बता दें भाई। ये आदि भाई तुम्हें अभी यार एक सेकंड रुक जा, मैं आपकी मसला हल करता हूँ। कोई तीन लड़कियां जो अभी आपको रिसेंटली पसंद आई? यमुना जैदी। वाह, हमारे पास लड़कियों में ऑप्शन भी तो ज्यादा है। मैं लड़के का बता सकता हूँ आपको? नहीं नहीं बेटा। अली अंसारी। हाँ यार स्मार्ट, उसकी मंगनी हो गई और शादी होने वाली है। अरे तो वही तो आपसे कह रहा हूँ, गलत मतलब नहीं निकाले उसको भाई। मुझे पता क्या लग रहा है, हम जितने भी आपसे सवाल करें ना, आप कुछ और समझ रही हैं। नहीं नहीं, हम बिल्कुल सिंपल। आपने अली अंसारी पे भी एक बोला, वो उसकी शादी हो गई। अच्छा चले अली अंसारी कर लेते हैं। ओके, अली जफर। अली जफर ठीक है। शाबीर जाफरी। शाबीर, शाबीर जाफरी। यूट्यूबर, यूट्यूबर है ना? अच्छा अच्छा ठीक है। और यार अभी वो प्ले कर रहे हैं, आई एम सॉरी मुझे उनका नाम नहीं याद, जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट के बेटे हैं। सीनियर आर्टिस्ट के बेटे हो तो बहुत सारे, बहुत सारे हैं ना। नुमान एजाज साहब के बेटे जी, जावियार की बात कर रहे हैं। जावियार, ठीक है। अच्छा लग रहा है आपको? विंटर्स या फिर समर्स? नहीं, मसला ये है ना, हम आप
अब मैं लाइव बोल दूं मुझे कोई अच्छा लगता है, फिर कोई बोले इसने इसके बारे में ये बोला था। हाँ, तो बोलो तो। हम तो रोज बोलते हैं, फलाना अच्छा लगता है, दिमाग अच्छा लगता है। अगर बोल दिया तो क्या मसला है इसमें? अच्छा ओके, बोल दिया आप तो बोल दिया। आप अपनी नीयत साफ रखें, दूसरों की टेंशन ना लेते। हाँ जी, विंटर्स या फिर समर्स? बताया तो दोबारा बता दें क्या हो गया, चेक कर रहे हैं। याद लगे इसी वजह से आप सिंगल हैं। ये मैंने आपको मसला पकड़ लिया। बताया तो अभी तो है नहीं, वो बोले शादी हो गई है, ये मसला मैंने पकड़ लिया आपका। ठीक है, ये बताइए चिकन खाती है? देखा आपने कितनी जल्दी पकड़ लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है, और उन्होंने सही जगह दूसरी जगह शादी कर ली। तो ये बताइए कि चिकन या बीफ? चिकन। बीफ मैं खा ही नहीं सकती, मुंह में एलर्जी है। एलर्जी है? क्या एलर्जी है? फूड एलर्जी है। बीफ को एलर्जी कह रही है? बीफ से एलर्जी। क्या होता है आपको खा के? मुझे स्किन पर रैश हो जाते हैं। ओके। मैं कुछ दिन सारा पैसे पे आया था, मेरी सारा पैसे पे इतने रैश हो गए। वो रैश था। अच्छा। ये बताएं कि देसी खाना या अंग्रेजी खाना? आपको बहुत मुश्किल है। आप खाना खाती नहीं है? नहीं, मैं सब बहुत खाती हूँ, मुझे दोनों बहुत पसंद है, लेकिन अगर कोई एक देसी। अच्छा ये बताएं, रेस्टोरेंट में जाके इंग्लिश में बात करती हैं उर्दू में? मैं वैसे भी नॉर्मली भी उर्दू में ही प्रेफर करती हूं। और एबनॉर्मली? उर्दू। ठीक है जी, ठीक है जी। बताएं कि रैंप या फिर फोटोशूट? फोटोशूट। बाहर के मुल्क जाके होटल में रहती हैं या किसी जानने वाले के घर में? होटल। ऑलराइट। पापोश नगर की नीलम या फिर मास्टर्स? मास्टर्स। मास्टर। रिक्शा या बस? रिक्शा। बैठी है रिक्शे में? बस में? मैं रिक्शे में, मेरा एक्सीडेंट भी हो चुका है। ओए, कैसे? चलते रिक्शे से उतर गई थी? नहीं, वो एक्चुअली रिक्शा ड्राइवर की गलती थी। क्या था? रिक्शा ड्राइवर की गलती थी, एक खड्डा था, उसने वो देखा नहीं और हमारा पूरा रिक्शा उलट गया था। और मेरी आंख पे बहुत, मतलब दोनों आंखों पे चोट लगी थी। वो जो उनका रिक्शे के आगे खंबे नहीं बने हुए, खंबे नहीं, मतलब रोल गेज रॉड्स होती है, रॉड्स। जी जी, थैंक यू। वो कोई बात नहीं, जो वो आगे लगे हुए खंबे, खंबे लगे हुए, फोन वाले चढ़ा हुए। यार ये काट दो। ये तो प्रोमो शॉट्स होते हमारे। मैं भी आपको, मुझे भी कुछ याद आया था जब लोग शेयर करते हैं बस में। मेरे भी बचपन में मैं खड्डे में गिरा था। फिर खड्डा मार्केट थी ना, गिरा खड़ा हो गया। मैंने तो कहा मैं खड्डे में गिरा, खड्डा भर गया। अच्छा, नो अवार्ड्स? नो अवार्ड्स। क्यों? नो अवार्ड्स क्यों? मुझे रिवॉर्ड्स चाहिए। हैं? ये कहां से सीखा? ये तो ऑप्शन ही मैं बस अपने ऑप्शन खुद लेकर आती हूँ साथ। चलिए, मुझे रिवॉर्ड्स चाहिए। अच्छा ठीक है। All right. ये बताइए, मेहंदियों पे जाके डांस करना या चोंचलेबाजी में पीछे बैठे रहना? डांस करूंगी, चोचलेबाजी को करूंगा किसी की? अरे वाह, ये हुई ना बात बना। काफी लोग कहते नहीं नहीं नहीं, फिर तो यूं करके शुरू जाते। नहीं नहीं, मैं तो करती। ठीक है। अच्छा जी, जिम या फिर होम वर्कआउट? होम पे कुछ नहीं होता, जिम। होम में कुछ नहीं हो रहा भाई? भाई आपने सही पकड़ा है बिल्कुल। मैं आपको रिकॉर्डेड शो या लाइव शो? रिकॉर्डेड। ठीक है, रिकॉर्डेड। हालात से पता लगा हमें कि रिकॉर्डेड ही ठीक है। मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? इवनिंग। अच्छा, कोई आपको तंग करे तो चिढ़ जाती है या उसके साथ मिक्स होकर और एंजॉय करती है? चिढ़ जाती हूँ। जी जी, ये भी पता कर लिया था मैंने। ये जो हम शो कर रहे हैं ना, इससे हम सब पता कर रहे हैं। मुझे पता था, मुझे पता था। आइसक्रीम या फिर आइस टी? आइसक्रीम। अच्छा, दांत में बोटी फंस जाए तो नाखून से निकालती है टूथपिक से? ऐसे जबान से। और कितनी देर तक कोशिश करती रहती है निकालने की? बताएं, फौरन तो नहीं निकलती जबान से? जब तक नहीं निकलती। अच्छा, जबान से लगी रहती है। वेरी गुड। बाय रोड या फिर बाय एयर? बाय एयर। ठीक है, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। अच्छा, कोई चीज खा रही है ऐसे जमीन पर गिर जाए किचन में तो उठा के खा लेती है, उठा के साइड पर रख देती है, उठा के खा लेती है? ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। ननिहाल या फिर ददियाल? ननिहाल। क्यों ददियाल क्यों नहीं? नहीं मतलब नहीं मतलब दोनों। क्या एक जुमला दो दो बार मतलब कह रहे हैं? ननिहाल नहीं है लेकिन ददियाल भी नहीं है, लेकिन है ननिहाल लेकिन है ददियाल भी, तो ननिहाल नहीं करना इसलिए ददियाल भी नहीं है। दूसरी दफा इनका जवाब बजाया मैंने। बताए ना, कोई एक जवाब देते भाई, ननिहाल या ददियाल, ज्यादा कौन पसंद है, ज्यादा कौन ईदी दे रहा है? ननियाल में भी एक फैमिली है मेरे लिए जो बहुत क्लोज है, और ददियाल में भी एक फैमिली है जो ये बहुत बड़ा नया है माशाल्लाह, दुनिया में बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जिनकी ननियाल में भी एक फैमिली और ददियाल में भी एक फैमिली। शी इज वन ऑफ देम। अच्छा, ये बताइए, गाड़ी चलाना या गाड़ी चलवाना? मुझे ड्राइविंग नहीं आती। कोई बात नहीं। और मैं बताए मैं क्या करती हूँ, मैं अगर ड्राइव करती हूँ ना तो मैं इतनी पैनिक हो जाती हूँ, मैं बीच रोड पे गाड़ी रोक देती हूँ। सही, मुझे लगता है सही किया लड़के ने। हाँ, अच्छा जी। नहीं तो मुझे ये बताएं कि गाड़ी चलाने का बहुत बुरी बात है यार, बहुत आप खुद ही बता रही है अपनी चीजें में हमने क्या किया। गाड़ी चलाने का शौक है या शौक ही नहीं है? शौक नहीं है। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे आने का शौक है? लॉन्ग ड्राइव वाली भी नहीं है आप, क्या है आप? अजूबा। अजूबा, ठीक है जी। लेट या फिर पंक्चुअल?
पंच। चॉकलेट गोले घंटे पे या नो चॉकलेट गोले घंटे पे? मैं चॉकलेट ही नहीं खाती। ओ वेरी गुड। दुनिया में दो गए लोग हैं, दो लोग हो गए ऐसे। दाल चावल भाई दोनों कुछ नहीं होता है यार। अच्छा कैट, क्योंकि मेरे पास कैट है। अच्छा ठीक है, दाल चावल लड़ने आगे ना, ऐसी नहीं है क्या, मतलब मेरी मर्जी। अच्छा अगर आप रिपीट पे देखेंगे ना, यहाँ आप खुद लड़ी तो ये बताइए दाल चावल हाथ से खाते? मेरा गला खराब है। आपका गला खराब है, देख रहा खून निकल रहा है, लेकिन सारा ये गले में देखिए खून निकल रहा है। ये चेक भी कर रही है, अभी लॉकेट है, ये खून है। नहीं मैं ये देख रही हूँ, ये खून है। इट्स अ लॉकेट, इट्स अ लॉकेट। अच्छा ये बताए दाल चावल हाथ से खाती हैं या चम्मच से? हाथ से। हाथ से खाती हैं? मैं बिरयानी भी हाथ से खाती हूँ। अरे मतलब यार ये आपने बड़ा कमाल किया। ठीक है। अच्छा ये बताएं एक्शन फिल्म या फिर हॉरर फिल्म? देखने के लिए हॉरर। हाँ देखने के लिए होंगे हॉरर। अच्छा हौरर। चाय या फिर कॉफी? चाय। वोट या फिर नो वोट? सही बंदे को वोट। किसको दिया आपने आखिरी वोट? आपके हिसाब से सही बंदा कौन है बता दो। इन्हीं को दिया था। अच्छा अभी आप खुश हैं? टाइम लगता है यार। किस चीज में? ये चीज में टाइम लगता है। यही जाके मैंने अभी लास्ट शो पे बात की थी कि किस चीज में टाइम लगेगा, तो यही आया, थोड़ा सा इंतजार करें। किस चीज का? चीज का भाई? घबराना नहीं है, सबर करना है, यही सारी बातें सुनते हुए आ रहे हैं, तो आई डोंट नो। आप ये कह रही है बच गए तो खुशहाली देख लेंगे? नहीं मैं हमारे नसीब में खुशहाली हुई तो मिल जाएगी। तो आप कह रही है आपने वोट सही जगह दिया और अगली बार भी आप इंशाल्लाह उन्हीं को देंगी? देखूंगी। क्या देखूंगी? किसको वोट हो? कब रहे? अभी तो होने वाले हैं। आप बताएं ना आपने क्या इरादा किया? इन्हीं को वोट देने? किसी को भी नहीं दूंगी। नहीं ये क्या बात हुई? वोट तो देना है। नहीं नहीं वोट तो देना चाहिए। एज अ मेंबर ऑफ दिस कंट्री वी आर सपोज्ड टू गिव वोट। एज अ रिस्पांसिबल पाकिस्तानी आई थिंक इन्हीं को दूंगी। इन्हीं को देंगी और फिर क्या करेंगी? वही है कि बच गए तो फिर खुशहाली देख लेंगे। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए दोस्तों के साथ घूमना पसंद है या अकेले रहना पसंद है? सही दोस्तों के साथ घूमना पसंद। ये सही कैसे होता है? सही दोस्त कौन से? जिनके साथ मैं खुश। जब वो गलत है तो उनसे दोस्ती ही क्यों की आपने? नहीं मतलब कोई गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनके साथ आप नहीं घूम सकते, करते हैं आप वाइब करते हैं, क्या करते साथ वाइबिंग करते हैं, यू नो वाइब करते हैं, वाइब पर मतलब कनेक्ट करते हैं, सुबह घर में आती है कुछ लाइक वाइबिंग होती है। मेरी बात नहीं कह रही हूँ, वाइबिंग कह रही हूँ। मैं कुछ कह रही हूँ कि मैं बोलूँ? जी प्लीज बोले बोले। मैं बोलेंगे मैं लड़ रही हूँ? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। बोले हालांकि आप लड़ रहे हैं। हाँ बोले। मैं नहीं बोल रही हूँ आपको। नहीं वादा करे, वादा करे माँ सदके। बोले यार कुछ लोग होते हैं ना जिन जो बैठे हुए होते हैं और उनके साथ आपको बात करने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको अच्छा फील हो रहा होता है। ऐसा ऐसे लोग बहुत बहुत सारे दोस्त ये बैठे हुए भी होते हैं तो आपको अच्छी वाइब आ रही होती है। खामोश। और बुरी वाइब कैसी होती है कि वो बैठा हुआ बुरी वाइब आ रही है, कैसे पता लगता है? बुरे सबसे ज्यादा मुझे वो लोग लगते हैं जो हर वक्त किसी ना किसी गॉसिप करते रहते हैं। मुझे जहर लगती है गॉसिप। जहर लगती है गॉसिप। आपने कभी नहीं की गॉसिप? अच्छा जी फिल्म घर पे देखती है सिनेमा जाके देखती है? डिपेंड करता है घर पे। आजकल तो हर कोई घर पे ही देख रहा है। दो साल से तो बंद ही था, अभी खुला है ना जी। हाँ तो मैं अभी ही पूछ रहा हूँ। अभी गई नहीं मैं। अच्छा आप नहीं गई अभी? आप ये बताएंगे यासिर हुसैन या फिर ताबिश हाशमी? ताबिश हाशमी। ऑलराइट। सोशल मीडिया या नो सोशल मीडिया? इंसान की बनाई हुई किसी भी चीज पे मजबूरी नहीं हो सकती। इतने इमोशनल आखिरी पेज रह गया तो पूरा कर दिया तुमने। इतने इमोशनल बताए ना क्यों? मजबूरी क्या मतलब? हाँ मजबूरी क्या मतलब? जरूरी है। क्यों मजबूरी नहीं है? जरूरी है। क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने कभी भी सोशल मीडिया पे इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन लॉकडाउन में मुझे फील हुआ कि सोशल मीडिया का हमारी फील्ड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। और जो लोग घर पे बैठ के भी ना उस वक्त कमा रहे थे वो सिर्फ वो लोग थे वो जो सोशल मीडिया पे उनके फॉलोवर्स ज्यादा थे। ठीक है। या उनकी हाइप क्रिएट हुई। आप कह रहे हैं कि फॉलोवर्स होना जरूरी है, लेकिन अभी तो आपने कहा कि स्लो एंड स्टडी मैं इस तरह आराम से काम करूंगी, मुझे जल्दी नहीं है, तो फिर सोशल मीडिया पे कहां से आ गया? मैं तो काम वाइज कह रही हूँ ना कि जो मैं ये कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग कमा रहे। हाँ, हाँ, लेकिन आपने तो सोशल मीडिया से नहीं कमाना ना। आपने तो कहा मैं तो टिकटॉक मैंने बना के छोड़ दिया। हाँ, यूज कर रही, लेकिन मैं तो और भी बहुत सारे ना लाइक इंस्टाग्राम है। हाँ, इंस्टाग्राम पे जो बहुत सारे हैं सेलिब्रिटीज वगैरह जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। हाँ, और वो हमारे जो पूरा शूट होता है उसकी पेमेंट मिलती है सिर्फ उनको एक ड्रेस पहनने की। हाँ, तो व्हाई नॉट। अच्छा जी व्हाई नॉट, ये अच्छी बात है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया लेकिन चले हम सब। अच्छा बताइए खाना पकाना या खाना खाना? खाना पकाना या खाना खाना? कुछ पका लेती हैं आप वैसे? सब आता है। सब आता है? नहीं है। सबसे सब आता है आपको? सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? जैसे कि आप बोले कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाना कोई मतलब कोई कमाल है। मैं बना लेता हूँ चिकन कढ़ाई। चाउमीन जो अच्छा मैं बना लेती हूँ। अच्छा बेस्ट बताएं, ये मेरा बेस्ट डिश है, ये खाओगे तो भिन हो जाओगे। भिन हो जाओगे। ये कौन सा है?
मैं कोरियन रेमन नूडल्स बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ निकल गई भाईजान। कोरियन कोरियन रेमन वोमन रेमन रेमन। अच्छा थोड़ा रेसिपी बताइए इसके कैसे बनता है। कोरियन रेमन नूडल्स कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं? रेमन नूडल्स आपको लाने पड़ते ले। अच्छा ये मिलते ही इसी नाम से? हाँ, लेकिन उसके बाद बता रही हूँ ना मैं। हाँ बताएं प्लीज, हमने रोका थोड़ी आपको। फिर आपको मशरूम्स लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? मशरूम, ठीक है। कॉर्न, ओके, और हाँ बेबी कॉर्न। हाँ बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न है मतलब बेबी कॉर्न है? नहीं नहीं कॉर्न कह रही है, भुट्टा। अच्छा भुट्टा, कॉर्न। बेबी कॉर्न लेने पड़ते हैं, सॉसेजेस लेने पड़ते हैं, ठीक है। और फिर उसको सबको चॉप ऑफ करके जो है फिर आपको नूडल्स बना के उसमें वो डालने पड़ते हैं। फिर कुछ सॉसेस मैं अपनी डालती हूँ, वो मैं नहीं बताऊंगी, मेरी मर्जी यार, मैं नहीं बता रही मेरी रेसिपी। हम कैसे मान लें आप सच बोल रहे हैं भाई? रेसिपी मतलब बता दें हमने क्या। आप कौन सा रेस्टोरेंट है? हाँ। अच्छा उसके अंदर मैं केचप डालती हूँ, मायोनीज डालती हूँ। मायोनीज और केचप, मैं अपनी सॉस में बताऊंगी नहीं किसी को। मैं नहीं बताऊंगी भाई, मैं केचप डालती हूँ। शुरू से ही इतनी अंग्रेज थी यार एक्टिंग के बाद भाई। माशाल्लाह। अच्छा मैं अंग्रेज, आपको कहाँ से? मायोनीज केचप और बस। बस ये तो बड़े सीक्रेट सॉस थे माशाल्लाह। अच्छा फिर वो बस खा लो। अच्छा जी ठीक है, ये बताएं फ्रेंड्स या फिर कोलीग? इसको आपने कोरियन क्यों बोला मुझे समझ नहीं आया। ये जो सॉस है सॉस पे ये कोरियन से आई थी। अच्छा नहीं पता है फ्रेंड्स या फिर कोलीग? फ्रेंड्स। रोने लिखे बात इसमें हर मैं ज्यादा हंसती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दुखी दिल की निशानी, टूटे दिल की, टूटे दिल की। आपको शायरी से शौक है? हाँ मैं लिखे हुए बहुत सारे। जरा एक शेर सुनाएगा? लिखे हुए नहीं, किताब पे लिखे हुए। किताब आप साथ लाइए, किताब साथ लाइए, पब्लिश करानी है बस। अच्छा एक शेर सुना दे कोई शेर। यार मेरे पास, यार मेरे पास तुम, स्टार्ट है सोचने। यार मेरे पास तुम, हमारी सही नया ड्रामा। यार मेरे पास तुम, यार मेरे पास सोच लू मैं थोड़ा। अर्ज क्या है? एक तो आवाज भी इतनी खराब है। पूछो अर्ज क्या है? 300 रुपए मीटर। या मेरे फोन में लिखे हुए नहीं, कोई एक तो, या फिर किसी और का भी याद हो, एक शेर सुना दे। दूसरों के याद दिए। अच्छा कोई सुना दे, हम सुना दे। अच्छा वो ये भी होता है ना, आमद हो जाती है, आमद वाला सुना दे। आमद आमद नहीं होती मुझे, सिर्फ रात को 3 बजे जो थॉट्स आते हैं उनको मैं लिख लेती हूँ, उसको उर्दू में आमद कहते हैं। अच्छा असल में। अच्छा कोई एक ऐसी कोई थॉट सुना दे, कोई थॉट ऐसे ही। यार आदि को हेल्प कर दे, एक कोई लाइन बता। यार आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। नहीं आप सोचिए, सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसी कोई भी। मैं फोन लेके फोन में देख के सुना। अरे यार नहीं चले छोड़े। अच्छा नहीं हम शायरी की बात नहीं, हम कह रहे हैं ऐसी थॉट को, ऐसी थॉट सुना देना हमें। हम शेर नहीं मांग रहा, थॉट सुना दे अबाउट लाइफ, अबाउट व्हाटएवर यू थिंक एट नाइट। कुछ भी, एनीथिंग। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चले ठीक है, सही समझ नहीं याद आ रहा, इट्स ऑल राइट, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, वक्त तो आखिरी दो सवाल आते हैं, एक आदि पूछेगा एक मैं पूछूंगा, लेकिन थोड़े सीरियस जवाब है तो जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जी आदि भाई। अच्छा जो अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा वो शायद आपको घबराहट हो उसका जवाब देने में, लेकिन देना जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऑडियंस को एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफोटेनमेंट भी दें। हम ये भी बताएं कि हम क्या सोचते हैं, एक आर्टिस्ट क्या सोचता है, एक पाकिस्तानी क्या सोचता है, खातून क्या सोचती है, एक लड़की क्या सोचती है। ये सोच समझ के जवाब दीगा कि ये टीवी पे एक बार चलेगा लेकिन ये सोशल मीडिया पे हमेशा चलता है, ऑलवेज। और ये जो पार्ट है गलती से अक्सर वायरल भी हो जाता है। तो जवाब सोच समझ के दीगा कि मुझे ये बताइए कि हिना अशफाक एज अ डॉटर, एज अ नेम ऑफ पाकिस्तानी इंडस्ट्री, एज अ पाकिस्तानी और एज अ सून टू बी समवन्स वाइफ, और एक लड़की होने के नाते आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से ज्यादा सही चीज कौन सी है? क्या आपको बताऊंगा, मैं दो ऑप्शन दूंगा, आपने बताना है कि इनमें से सही चीज कौन सी, कि भाई ये सही है ये गलत है, इसके बारे में बात नहीं करिएगा। ये बताइए कि दोनों में ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है, नाड़े वाली शलवार या इलास्टिक वाली शलवार? इलास्टिक वाली शलवार। इलास्टिक वाली शलवार, ठीक है, वेरी गुड। आखिरी सवाल जी, आपने ज्यादा सोचना नहीं, फटाफट जवाब दे देना है, आदि या फैजान? ये मुश्किल है यार। नहीं नहीं, हाँ इसीलिए रखा है। सच सच बताओ यार ये क्यों? तुम आप सोचे, आप जब तक कुछ कर रहे हैं हाँ। तुम ऐसे मोमबड़ी दौड़ो, बोला इसमें दाना नहीं। सुन लो भाई, इतना इतना ड्रामा क्रिएट नहीं करो। मैं ना नहीं बोलू जी, बोलू हाँ आदि। वक्त हुआ जी ब्रेक पर जाने का, वो
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है हिना अशफाक, और अब हम खेलने वाले हैं उर्दू मीडियम। मजेदार 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 मजेदार। उर्दू की वोकैबुलरी कैसी है आपकी? ये सही है कि ये गलत है? सही आप है। ये सही में ये कर देना, मतलब ये मैं ज्यादा अपनी तारीफें कर दूं बाद में सही नहीं करूं तो इसका मतलब है सही है। अच्छा मतलब अच्छा, हम आपको एक वर्ड बताएंगे उर्दू का, आपने उसको जुमले में इस्तेमाल करना, उसका मतलब है। अच्छा फिर तो ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा मतलब आई डोंट नो के वर्ड्स क्या हैं, उर्दू के वर्ड हैं, मतलब आप डिसाइड कर लें पहले आपने क्या जवाब देना। सही है, पक्की बात, ठीक है जी। पहला वर्ड है अस्करी। व्हाट इज अस्करी? अस्करी क्या क्या ये क्या नहीं अस्करी का मतलब क्या, क्या मतलब है? क्या है अस्करी, क्या चीज है मुझे नहीं पता। अभी आप यूं यूं इशारा कर आपने कहा ना अस्करी। अस्करी अपार्टमेंट्स। फैजान शेख अस्करी अपार्टमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम जो अस्करी अपार्ट। चले अब आपको मतलब नहीं पता तो और मजा आएगा, इसको जुमले में इस्तेमाल करें। नहीं पता मुझे, जुमले में इस्तेमाल करें ना। अपनी दोस्त के घर अस्करी अपार्टमेंट। काफी अफसोस है और खुशी है उनके लिए जिन्होंने शादी कर ली। भाईजान पहले आपको गुस्सा आ रहा था, अटक गए, अब अटक गए, अब आपसे हमदर्दी हो रही है। भाईजान आप कभी कभी इंसान को अल्लाह ताला खुद बचा लेता है। हम आपसे मिलो, हम आपको गले लगाने जा। अस्करी कहते हैं फौजी को, पता है आपके पास? या तोता की बोल पड़ा ही ना, अफवाज को भी कह सकते हैं। क्या कुछ नहीं, ये समझ नहीं। अच्छा जी अगला 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 मुठभेड़। यार ये मैं नहीं खेल रही गेम, ये मैं सुने ये आप हालांकि करनी है, शो का फॉर्मेट है ये खेलना है। अभी तो आपने कहा जस्ट ब्रिंग इट, आप अभी बिना वजह द रॉक बन गए। इसीलिए पता है इसीलिए मैंने अपनी तारीफ नहीं की थी कि मेरी उठ सही नहीं, सही किया था, बनती भी नहीं है मुठभेड़। मुझे नहीं पता इसका मतलब। अच्छा नहीं पता ना, अब आप इसको जुमले में इस्तेमाल, आपको क्या लग रहा है जुमले में इस्तेमाल कर? आप थोड़ी लड़ाई को कहते हैं, किसको लड़ाई को? अरे वाह मुठभेड़, मतलब मुझे पता है इस, मतलब यही वर्ड है। मतलब वर्ड है, इसको इसको जुमले में इस्तेमाल कर ले। अच्छा मैं बाजार गई, वहाँ पे मुठभेड़ हो रही थी। नहीं वाह वाह, क्या नहीं हो रही थी मुठभेड़? असल में लड़ाई को नहीं कहते, आमने सामने को कहते हैं। आमना सामना करना। हाँ तो पहले आपने लड़ाई पे हामी क्यों भरी? मैं उसके पास गई और उसकी शादी में मैंने उससे मुठभेड़ कर ली। आई विश मैं कर लेती। ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो आपने किया, ये भी सही नहीं है, और जो ये करने जा रही है वो भी सही नहीं है, और जुमला भी सही नहीं है, और जो ये कर रही है वो भी ठीक नहीं है। चले अच्छा जी अब तो बड़ा आसान है, इज्तनाब। इज्तनाब, इज्तनाब का मतलब मुझे पता था। ओके ठीक है, फिर क्या हुआ? बताइए। हाँ जी भूल गई, इज्तनाब बताएं जुमले में इस्तेमाल करें, इसका मतलब क्या है? ये आप तो जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा। मुझे नहीं पता जुमले में। अरे मतलब तो बताओ भाई, आप जुमले में इस्तेमाल कर, क्या लगता है आपको इज्तनाब क्या हो सकता है? फिर भी कोई हेल्प कर दो प्लीज। मैंने मैंने उस लड़के से बात करने से इज्तनाब किया, मतलब मना कर दिया। हाँ कह सकते हैं, गुरेज कर दिया, परहेज करना। मुझे आपकी मदर से मिलना है। अच्छा ये बताइए, पेरेंट टीचर मीटिंग में कॉल किया जा रहा है आपको। जी आदि भाई, राइनो। राइनो बताए, ये तो बहुत आसान है, ये तो पाकिस्तानी कह रही है, उर्दू का वर्ड तो नहीं है। लिफाफा पड़ा हुआ है जिसमें उर्दू का वर्ड है, राइनो उर्दू का वर्ड नहीं। मतलब जुमले में इस्तेमाल करें ना पहले, इसका कोई मतलब बताएं। आप जुमले में इस्तेमाल करें फिर आपको बताऊंगा कि सही है कि गलत है। तुक्का मारे, गलत तुक्के नहीं मान रही मैं, वैसे ही तुक्का होता ही गलत, आपको पता है ना, तुक्का मारे फिर मैं बताऊंगा। राइनो, राइनो जी, राय 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 वाली राय, हमें क्या पता, आप बताएं। राइनो मुझे जैसा लग रहा है मैं किसी एग्जाम। अरे बड़ा आसान, आप असल में बहुत सीरियस ले रही है इस बात को, आपने बस गेस करना है, फौरन गेस करें। ये गेम राइनो, राइनो पे फटाफट आप जुमला। मैं गेम ही तो नहीं खेलती, अगर खेलती तो आदत होती ना। ओह गेम तो दूसरा खेल गया। हाँ जी राइनो जुमले में इस्तेमाल करें। कम ऑन राइनो, राइनो राय देना, मतलब वो वाला राय है ये, मुझे नहीं जुमला बनाए, जुमला बनाए राइनो। मेरे कजन से अक्सर मेरी राइनो हो जाती है, इसका मतलब नाराजगी। नाराजगी, अब बनाया जुमला राइनो। हाँ नाराजगी को कहते हैं। हाँ लेकिन राइनो इस्तेमाल करना है आपने, नाराजगी बस इस्तेमाल किया। चले बताएं बताएं, मेरी आंटी की वजह से मेरी कजन से मेरी राइनो हो गई। ठीक है जुमला, जुमला बिल्कुल सही है।
ये होता है दिल दश्ती। दिल दिल दश्ती। दिल दश्त तो कहते हैं कि गम को कहते ना, नहीं दश्ते तन्हाई ऐसे कुछ होता है। दिल दश्त मीन दिल तोड़ना, दिल दुखना। दिल दश्ती। दिल दश्ती। दिल चली जाना दश्त किसको नहीं, नहीं आप सैडनेस की तरफ सही आई थी। सैड ही है ना ये। हाँ क्या है बताएं। दिल दश्ती। दिल दश्ती। दिल दश्ती कर बेटा। दिल दश्ती यार मतलब बता दो, इजी हो जाते हैं मेरे लिए पता जुमले बनाना। देखिए जुमला ये है कि दिल दश्ती में मेरे आंसू नहीं रुकते, मतलब गम में। अब आप जुमला बनाए ना भाई, आपको दिल दश्ती में मेरे आंसू नहीं रुकते। हाँ उस इंसान की वजह से मेरा दिल दश्ती हो गया। ठीक है वेरी गुड यार, सही है। आप अच्छा कर रही हैं। सही तो क्यों मार रही हैं। मनोड़ा। 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 मैंने कहा भगोड़ा। हाँ वो भी सही है, वो तो होगा वो, लेकिन मनोड़ा की बात हो रही है। मनोड़ा। मनोड़ा। हाँ मुझे मनोड़ा जाना है। अरे वो तो जगह का नाम है ना। तो नहीं लेकिन उसका मतलब मायने क्या है, मनोड़ा का मायने बताए। आप पाकिस्तान से लगता है बाहर बहुत ज्यादा घूमती है, मुझे ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान में कम रही हैं आप ऐसे? नहीं। अच्छा फिर तो फिर आपको कैसे नहीं पता ये? अच्छा कराची का मतलब तो पता है ना आपको? पापोश का मतलब पता है आपको? पापोश का आपको मतलब? पापोश का मतलब नहीं पता? यार ये नहीं करें आप, एक्टिंग भी करती हैं आप तो ना करें। अरे इनके प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है पापोश। मुझे यही पता है कि मेरे एरिया वो जो एरिया है उसको पता ही है। नीलम का भी मतलब नहीं पता मुझे। नहीं नहीं पापोश नगर की नीलम नाम है। हाँ। कह रहा हूं नीलम को भी पता है, आपको नहीं पता? पापोश नगर पापोश की नीलम मतलब है ना, तो पापोश क्या चीज है? एरिया। भाई जब वो कह रही है अस्करी एरिया हो सकता है तो पापोश भी एरिया हो सकता है। जूता या जूती को पापोश कहते हैं। अच्छा ये बताएं हमजुल्फ मनोड़ा को क्या कहते हैं? हमजुल्फ। हमजुल्फ कहते हैं मनोड़ा को। लो भाई या अल्लाह एक सेगमेंट अफसोस का भी होना चाहिए। अभी एंड में ना 5 मिनट खामोशी के लिए मुझे ना मुझे क्या हो रहा है? अटैक हो रहा है, लाफिंग अटैक हो रहा है। लाफिंग अटैक हो रहा है। लाफिंग अटैक हो रहा है। दिखाएं जरा करके दिखाएं। अच्छा हमजुल। हमजुल। हमजुल मींस हम सफर है? वो तो हम सफर हुआ ना। ज़ुल्फ पता है? ज़ुल्फ क्या होता है? ज़ुल्फ पता है क्या? तो हमजुल्फ। हां ज़ुल्फ क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है बताएं? आपने कहा ना ज़ुल्फ पता है, ज़ुल्फ बताएं क्या है? बाल। हाँ हाँ ज़ुल्फ बाल ना, बाल भी कह सकते। हाँ लेकिन हम ज़ुल्फ। हम ज़ुल्फ अब हमारे बाल नहीं कहते। नहीं हम ज़ुल्फ मतलब रिलेटिव। नो होता रिलेशनशिप ही है। लेकिन क्या होता फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं और ये हम ज़ुल्फ हैं, तो आप सोचें दोस्त। हम दोस्त नहीं है। इतने इसमें तो गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? हम कहते हैं बता रहे हैं दोस्त। जो साली का शौहर होता है ना आपकी, वो हम ज़ुल्फ होता है। साड़ू भी कहते हैं लोगों को, आपने नाम सुना होगा साड़ू। ये और मैं साड़ू। यार इतने वो सलीस उर्दू के वर्ड्स मुझे नहीं पता। अच्छा आसान पूछ लेता हूँ। हाँ रुकैया। रुकैया। रुकैया स्क्वायर है ये मुझे पता है, रुकैया नाम होता है। यार आपको सारी फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स क्यों याद है यार? आप कहाँ घूमती रही हैं आप? सही जगह नहीं घूम रही हैं आप, गूगल मैप पे रहती हैं आप। अच्छा ये होता है फोड़ा। क्या होता है? दाना। दाना। दाने भी फोड़ा कहते हैं? नहीं दाने को फोड़ते हैं। चले आसान बताएं। सरजनिश। ये आसान है, बहुत आसान है। बच्चे सर सर सरजनिश। नहीं तो उर्दू से मुझे लगा। अच्छा आप कह रही मैं इंग्लिश नहीं बोलती, उर्दू ही बोलती। लेकिन ये सलीस उर्दू है ना। नहीं, नहीं। अगर आप सरजनिश नहीं बता सकती तो सर जुबैर बता दें। सर या मैं सर, का, सर काशिफ। अच्छा काशिफ भाई देखें अब ये इनसे पूछे। ये देखें मैं काशिफ भाई आपसे एक बार पूछता हूँ। आंख मार लो तुम उनको। अरे यार मैं पूछता हूँ काशी भाई को आंख मारू, ये दिन आ गए मेरे। हाँ यार वलवला। वलवला जज्बाती को कहते हैं। ये जोश। ये ले जोश। वलवला पता है मुझे वलवले का? तो जब उन्होंने जवाब दिया तो आप मान नहीं रही, आप कह रही हमने आंख मारी उनको। ऐसे इतना आसान था ये? मैं काशी को आंख मारूंगा? हाँ मैं कुछ खुशी ना कर लूं इससे अच्छा। अच्छा सरफरोश। यार शेर याद आ गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये सवाल है कि शेर है? शायरी। आपने सवाल की तरफ क्यों पूछा है? शायरी की तरह है जोर कितना बाजुए का तिल में है। नहीं एक बार आप सही तरह शायरी की तरह। शायरी की तरह ना एक तरीका। मैं अच्छी शायरा नहीं। अर्ज किया है क्या था? लो सरफरोशी की तमन्ना। अर्ज किया है
सरफरोशी। अरे अर्ज किया है पूछते पहले, बोलते अर्ज किया है इरशाद, मैं बोलूं? हम बोलेंगे इरशाद ना, चलें महफिल का तकद्दुस पामाल ना करें। हाँ वाह वाह भी करेंगे, चलें। एक 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 तरीके एक डेकोरम है ना शायरी का जी, इसीलिए मैं शायरा नहीं हूँ ना जी। हाँ, चलें। अच्छा अच्छा नहीं अर्ज किया है ये, 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 अच्छा अर्ज कैसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते बोले अर्ज किया है, ये भी ना करें इतना ज्यादा हो रहा है। नहीं बोलना ना, आप बोले अर्ज किया, हम बोलेंगे इरशाद। यार आप सब साथ इरशाद बोले, कोई मुशायरा हो रहा है, तफरी लगाई भी है। माइक बंद है, काशिपे का माइक खोले, मुशायरा चल रहा है यार। हेलो जी, अर्ज किया है, नहीं है अर्ज किया, इंग्लिश बाहर में जाओ, नहीं नहीं, नहीं बोल, अर्ज किया है ना भाई, आराम से चले। अर्ज किया है इरशाद, अब सही किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वाह 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 वाह, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मुकर्रर मुकर्रर, एक और भाई, मुशायरे में ऐसी होता है, अब बिछोगे होंगे, अब ये मुशायरे में ये नहीं हो सकता, ये जेलों का थोड़ी मुशायरा चल रहा है। चले शुरू से, मुशायरा नहीं हो रहा, ये मैं नहीं खेल रही है। तो हम कौन सा खेल रहे, और मुकर्रर का मतलब हम जब बोलेंगे ना तो दोबारा पढ़ना होता है, आपने सुना होगा पहली लाइन बार बार बोलते रहते हैं, वो मुकर्रर का होता है। शो का टाइम खत्म नहीं हो रहा, नहीं नहीं, नहीं, हम तो चले बताए, चले फिर से अर्ज किया है, फिर आपने ये कर दिया यार, मैं अपने बाल ठीक नहीं कर, आप पहले सब कर लो। अच्छा चाहिए, अर्ज किया है इरशाद, इरशाद इरशाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, मुकर्रर मुकर्रर, वाह वाह वाह, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आप भी डांट रही है मुझे, डांट ही रही हूँ, नहीं नहीं कोई प्यार से मुकर्रर मुकर्रर नहीं करे, नहीं करे, चले मुकर्रर नहीं करना। आप ऑडियंस को कैसे रोक सकते हैं, हम मुशायरा तो फिर आपको मुझे पैसे थोड़ी दे रहे मेरे शेरों के, चले पैसे देने पे आप नहीं, चले अब नहीं बोलेंगे यार, मुकर्रर नहीं बोलेंगे, फिर से अर्ज किया है इरशाद, हंस रही हैं आपने, अर्ज नहीं किया आपने, कुछ और किया इसको सोच के आपको हंसी आ रही है भाई, ये आपने अर्ज, ये कैसा अर्ज है जो आप हंस रही हैं, इन्होंने कहीं बहुत ज्यादा अर्ज कर दिया है। इरशाद याद आ गया आपको, मैं सोच रही, मैं इस बात पे हंस रही हूँ, ये हो क्या रहा है शो, शो? लेकिन मुशायरा हो रहा है, ठीक है चले फिर से अर्ज किया है, ये क्या है नॉर्मल, अर्ज किया है नॉर्मल, देखे अर्ज किया है इरशाद, सरफरोशी की तमन्ना आप हमारे दिल में है, वाह 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 वाह, मैं कह रहा हूँ वाह 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 वाह, क्या मिश्रा है, मिश्रे पे गौर फरमाइए, क्या मिश्रा दिया, क्या मिश्रा है, क्या मिश्रा है, तवज्जो रहे भाई तवज्जो, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वाह भाई वाह, इसके लिए इतना वेट किया था हमने, लेकिन आपने अच्छा शेर सुनाया भाई, ये कब लिखा आपने, मैंने नहीं लिखा ये तो मुझे आपके उससे याद आया, अच्छा आपने कहा था आपके फोन में आपका लिखा हुआ शेर है, अरे एक फोन से देख के सुना दे, एक शेर असल में फोन यही है, महफिल का रुख किसी और तरफ हो गया, माशाल्लाह घर का पूरा फर्नीचर बैग से नजर आ रहा है। जी जी वो बहुत जरूरी होता है, हाँ जी हाँ जी जी सुनाइए, आप क्या यूज करती हैं, आईफोन या एंड्रॉइड, दोनों दोनों यूज करती हैं, दो सिम में रखी हुई है, एक को दूसरी कॉल ना आ जाए, नहीं नहीं मतलब एक फोन पे सारा सोशल मीडिया और एक मेरे पे सारा खानदान है, नहीं खानदान नहीं है, फोन कॉल्स और व्हाट्सएप के लिए। अच्छा, ओ यार देखो तुम कैसे आपको याद रहता है दोनों फोन चार्ज करना सब कुछ, ये वो तेज है काफी, यू भी कर रही है। अच्छा जी ये मेरा लिखा हुआ है, हंसिएगा मत, नहीं आप इतने टाइम से हंस रहे हैं ना, नहीं नहीं क्या हो गया भाई, चलें सब तैयार भाई, तारीफ करनी है, अर्ज किया है, वाह वाह इरशाद, क्या अर्ज किया भाई, क्या अर्ज किया, अर्ज किया है, वाह वाह अर्ज, गले खराब में ऐसे ही अर्ज हो सकता है, इरशाद इरशाद, याद तो उनको भी आती होगी, रात तो इनको भी आती होगी, दिल तो उनका भी दुखाती होगी, दिल तो उनका भी दुखाती होगी, अच्छा ये तो अच्छा है, नाइस, जब भी करते होंगे हमें याद वो हो, जब भी करते होंगे हमें याद वो, आंखें उनकी भी नम हो जाती होंगी, तखल्लुस क्या आपका, तखल्लुस क्या, तखल्लुस क्या होता है, आंखें भी उनकी नम हो जाती होंगी, भाई जैसे मिर्जा गालिब साहब का गालिब था ना, हाँ हिना ही होगा ना, लेकिन हिना आ नहीं रहा ना इसमें, बस खत्म हो गया शेर, नहीं नहीं वो शेर के बाद ही आता है, अच्छा हिना तखल्लुस जो है ना वो शेर के बाद ही होता है, और वो हिना नहीं होता ना, कुछ और होता है, क्यों आप क्यों रख लें, क्यों का शेर है, नहीं लेकिन आपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा आपने, वेरी गुड, आइंदा मत लिखिएगा, नहीं वो तो मैं लिखूंगी, नहीं और लिखूंगी, अच्छा अर्ज किया है, ओ हो ये इरशाद, इरशाद मेरा दो चाय ले आओ,
ये मैं क्लियर कर दूं कि ये शेर मेरे दिल के बड़ा करीब है और मेरा कोई अपना चाहने वाला जब चला गया था तो मैंने ये शेर लिखा था। इरशाद, वो ऐसे आई और चली गई यूं। वाह, वो ऐसे आई और चली गई यूं। वो ऐसे आई और चली गई यूं। हैप्पी बर्थडे टू यू। खामोशी से सुन रहे भाई के आंखों से आंसू भी गिरा बेचारे। वाह 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 भाई, मैं भी तो हूँ ना। वेरी गुड यार, मैं तो हूँ। वेरी गुड, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। मैं आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, मतलब हमने पूरी कोशिश की कि आप अच्छे जवाब दें लेकिन आपने नहीं दिए, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, लेकिन अब वक्त ये हुआ है कि हम आपको दुनिया के तमाम पैसे दे रहे हैं सिर्फ एक गेम में, ठीक है। आपने एक फिल्म की कास्टिंग करनी है, सिर्फ 5 लोगों की कास्ट है, आपने कास्टिंग करनी बहुत जल्दी से, कोई लिमिट नहीं है, पैसे ही पैसा, दुनिया का किसी को भी कास्ट कर सकती हैं आप। आजी भाई, कास्टिंग हीरो, हीरोइन, हीरोइन, विलन, विलन, एक कैरेक्टर जिसकी सिर्फ आवाज, एक कैरेक्टर जिसकी सिर्फ आवाज है, और एक कैरेक्टर जो बोल नहीं सकता, एक कैरेक्टर जो बोल ही नहीं सकता। फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपकी मर्जी है ना, आपकी प्रोडक्शन है भाई। अच्छा, बस मैंने कास्ट करनी है जी। कास्टिंग करें, उसका डायरेक्टर भी बताएंगे, नाम भी बताएंगे फिल्म का, डायरेक्टर भी बताना है, मर्जी आपकी, लोकेशन भी बता दें कहाँ शूट करनी। ओके ओके ओके, नहीं होता एन ओके होता है क्योंकि वो वॉवल है। जी बोलूं मैं? हाँ हाँ बोले, या आप ही बोल ले, काम करें। नहीं नहीं, आप बोले, 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 बोले। हीरो बताएं, हीरो, हीरो हिना अशफाक की प्रोडक्शन में हीरो कौन होगा? पाकिस्तानी ही हो या कोई, पैसा आपका, दुनिया भर का आपकी मर्जी है। शाहरुख खान वो तो अटकता ही रहेगा बेचारा। नहीं नहीं, शाहरुख खान इधर, खबरदार कुछ बोला, क्यों, बहुत फेवरेट है मेरा, वहां से इतना खर्चा करेंगे। अच्छा, मिल जाएगा आप पहले उसके बारे में भी कहती थी, अब किसी और का फेवरेट हो चुका। हाँ। नहीं, वो उसको मैं अपना फेवरेट नहीं कहती थी, लेकिन आप पहले मुझे खर्चा करेंगे, यहाँ भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा, फिर ऐसे क्यों बोला, दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है। नहीं तो ऐसी कोई यूनिक चीज लाए जो यहाँ ना मिले, यहाँ आपको इसी जगह। अच्छा सही है, हो गया हो गया। क्या हो मैं कर रही हूँ ना कास्टिंग ना, पहला नाम हीरो, हीरो होगा साहिल लोधी। साहिल लोधी होगा, ठीक है यार, ये आपने अच्छा दिया वैसे, हीरो का मतलब शाहरुख खान को आपने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, नहीं 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 नहीं, आपने पाकिस्तानी बोला तो मैं उस तरीके से कास्ट कर रही हूं ना, डायर ह्यूमर किया है। अच्छा, आप कह रही हैं कि साहिर भाई और शाहरुख खान एक जैसे? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। आपने कहा शाहरुख खान को हटा दे, अच्छा एक्टर चेंज कर लूं मैं? नहीं नहीं, साहिर भाई को क्यों चेंज करनी भाई, काम आ रहा उनका। साहिर भाई फिर एक्टर वो गए, एक्टर वो गए, एक्ट्रेस होंगी मथीरा, मथीरा एक्ट्रेस है, विलेन होंगे आमिलिया का। अच्छा, ये फिल्म बनानी है जो सिनेमा में चले, आप जो फिल्म बना रही है ना वो मुश्किल हो जाएगा सिनेमा तक जाना। नहीं यार, क्या हो मेरी मर्जी, क्योंकि इनके का इतना इशू है सब। नहीं नहीं नहीं, मैं सब इतने मसरूफ हूं, लेकिन ये कर लेंगे। साहिर भाई मथीरा और आमिर लियाकत विलन हो गए, ठीक है जी। और ताबिश होगा उसमें जो बोल नहीं सकता। अल्लाह, बेचारा इतना अच्छा बोलता है, उसको फंसा दिया इसीलिए तो। ओके, और लास्ट क्या था? लास्ट एक कैरेक्टर जिसकी सिर्फ आवाज है, और सिर्फ आवाज ही आती है पीछे से, इसलिए सिर्फ आवाज, पीछे से जरूरत नहीं है, आवाज आती है। या वो लड़की निमरा जो अभी बहुत हिट नहीं हुई थी, जो बहुत जल्दी 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 बोलती है। अच्छा, वो उसको रखूंगी आवाज, उसको रखेंगे। आपको पूरी दुनिया का पैसा दिया है और आप उसको रखेंगे। मेरी मर्जी, मेरी प्रोडक्शन है, मैंने अपनी फिल्म चलानी है। डायरेक्टर कौन होगा इस फिल्म का? डायरेक्टर इसमें हम लोग रख लेंगे। नहीं, हम लोग नहीं, आपकी प्रोडक्शन, हमारा शो है, हम बिजी है भाई, यहाँ बहुत बड़ा शो है। आसिम रजा, आसिम रजा, नाम क्या होगा फिल्म का? नाम बता दें, कास्ट को ज़हन में रख के सोचिएगा नाम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा अच्छा कर रही है यार। आप पांचों सुने, 9 तारीख को फ्री हैं? वेरी गुड। नहीं नहीं, आपने बड़ी अच्छी कास्टिंग की भाई, नाम भी आपने अच्छा दिया। कहाँ शूट होगी ये? हाँ, कहाँ शूट होगी अगर हुई तो? अच्छा, यूं नहीं बोलेगा, सर में। कहाँ शूट होगी? हैदराबाद। हैदराबाद में? भाई बड़ी कंजूस है आप, माशाल्लाह। गुड्डू बंद, इतने पैसे बचाए आपने, गुड्डू बंद बार में कोई शूट होगी? बचा बस अल्लाह हाफिज नाम है उसका, इसीलिए। वेरी गुड, ठीक है ठीक है, बस अब मैं और डिटेल्स नहीं दे रही आपको, मैं आपका शनाख्ती कार्ड थोड़ी बनाने में। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, वाज ग्रेट फन हैविंग यू ऑन द शो। उम्मीद करते हैं आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे, तो प्लीज कोई मैसेज है तो आप आदि को SMS कर दें। नहीं नहीं, दुआ में याद रखें, इसी तरह प्यार करते रहें, और थैंक यू सो मच।
फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव. थैंक यू. वेरी गुड. आदि भाई, आपका कोई मैसेज जो आप फोन से देख के सुना दे. मैं फोन पे अपना मैसेज ही देख रहा था. हाँ हाँ. कि मेरा मैसेज ये है के यार, मेरा मैसेज बड़ा अजीब सा है. बल्कि मैं अजीब, आप खुद भी बहुत अजीब से वैसे. थैंक यू सो मच. आपने लास्ट वाले को भी ये कहा था उसने शादी कर ली. उसको नहीं कहा था मैंने. ये भी कर लेगा फिर आप बोलिएगा. आप बाद में मैं नहीं बचाऊंगा फिर. चलो बोलो भाई. मैसेज यही है कि फिर वही मैंने एक चीज वापस से नोट. अच्छा हाँ, मैसेज से याद आया. मैं सॉरी, फोन पे थोड़ी इमरजेंसी कहीं हो रही है तो मैं वहां लगा हुआ था. मैसेज से मुझे याद आया. मुझे एक बात बताएं आप लोग, ये मैसेज आया पता नहीं क्या है. तो लड़ाई लग रही है. हाँ मुझे लड़ाई लग रही है. मुझे एक बात बताएं, जब बच्चा 6 गार्डों के साथ स्कूल आएगा, जब बच्चे की छुट्टी होगी और उसकी गाड़ी रोड के बीच में खड़ी होगी, तो बच्चा बचपन से ही देखेगा कि हाँ पापा आते थे रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करते थे, ड्राइवर अंकल आते थे रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करते थे और मुझे लेने आ जाते थे. तो वो बच्चा कहां से इंसान के बच्चों की तरह गाड़ी चलाएगा. जब वो बच्चा 6 गार्डों के साथ आएगा और आप दूसरे बच्चों को कहेंगे साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, बाबू भाई आए, बाबू राना, छोटू मारना, काका जो भी आए, तो वो बड़ा होकर कैसे अंडरग्राउंड रहेगा या उसके पैर जमीन पे रहेंगे, मुझे समझ नहीं आती. डिफेंस के बड़े, मैं जहाँ जिम जाता हूँ रास्ते में 3 स्कूल आते हैं, रोड के बीच में क्यों गाड़ियां खड़ी होती हैं? मतलब आप कहीं दूर जाके पार्क नहीं कर सकते, आपको इतनी मौत आ गई है. तो आप, मुझे समझ नहीं आता, जब आप बच्चे के साथ बैठते हैं ना और आपको पीछे से कोई हॉर्न मारता है तो ये बड़ी बेइज्जती की बात है. अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं और कोई सामने से जाता है वो आपको गाली दे देता है तो ये बड़ी बेइज्जती की बात है कि आप अपनी औलाद के साथ बैठे हैं और कोई आपको जलील कर रहा है. कल को आपकी औलाद भी ये करेगी तो फिर शर्मिंदा ना होगा. तो इन बातों का ख्याल रखें, खास तौर पर जब बच्चा आपके साथ हो ना, तो इंसानों की तरह हर काम इंसानों की तरह किया करें, क्योंकि वो आपके हर रिफ्लेक्शन को नोटिस कर रहा होता है. और जब वो बड़ा हो जाता है और उसकी पर्सनैलिटी बनती है तो वो सब कुछ झलकता है उसके अंदर. तो ये जो आप मार्केट में आ गए थे, अबे खुर्शीद तुझे समझ नहीं आता, जब आप ऐसे बोलेंगे ना तो वो बच्चा ये देखेगा कि शायद दुकानदार से ऐसी बात की जाती है. जब ड्राइवर को आप 2 गालियां देके बोलेंगे ना गाड़ी साफ नहीं की, तो बच्चा ये बात सीख लेगा और बड़े होकर वो भी अपने ड्राइवर को गाली देगा. तो प्लीज जब बच्चों के साथ होते हैं ना तो बहुत ज्यादा एहतियात किया करें. वो सब कुछ देख रहे होते हैं, वो सब कुछ समझ रहे होते हैं और बात को वो सारी चीजें उनकी पर्सनैलिटी में आती है. वेरी गुड. उम्मीद करते जी आपको आदि भाई की बात समझ में आएगी और आपको हमारा शो पसंद आया. और अगर पसंद आया तो अगले वीक भी ट्यून कीजिएगा. धमाकेदार शो.